मेरे से भी लंबा कैरेक्टर है। वैसे एक चीज़ मैंने मैक्सिको में बहुत ऑब्जर्व करी है, यहाँ पर बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऑल्दो ये यूनाइटेड स्टेट्स के जस्ट बगल में है, लेकिन यहाँ पर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा मैक्सिको की एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल साइट पे, जिसका नाम है टियोटिहुआकान। तो वैसे आपने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने मैक्सिको के पिरामिड्स के बारे में सुना है? मैक्सिको सिटी के ही पास में एक सिटी है जिसका नाम है टियोटिहुआकान, जो कि काफ़ी एंशियंट सिटी है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहीं पे है मैक्सिको के टियोटिहुआकान पिरामिड्स। और ऐसा बोला जाता है कि ये पिरामिड्स अराउंड 2000 साल पहले मायन लोगों ने बनवाए थे। अभी मैं वैसे रिसेंटली मैक्सिको सिटी गया था और मुझे लकीली इन पिरामिड्स को विजिट करने का मौका मिला। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा अपनी जर्नी इन पिरामिड्स तक की, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन पिरामिड्स तक कैसे पहुंचा जाए। आप मैक्सिको सिटी में अगर विजिट कर रहे हो तो आप यहां जरूर जाने का प्लान कर सकते हो। तो वैसे जब मैं मैक्सिको सिटी से इन पिरामिड्स जाने के लिए ऑप्शंस देख रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो दिख रहे थे वो थे टूर पैकेज वाली कंपनीज के, जैसे कि गेट योर गाइड, ट्रिप एडवाइज़र, और इनकी प्राइस थी अराउंड $50 से लेके $100 तक पर पर्सन, जो कि दो लोगों का पड़ता मिनिमम टू मिनिमम $100। तो ये मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था। तो दूसरा ऑप्शन जो था वो था टैक्सी का, जैसे कि हो गई आपकी ऊबर, तो ये भी वैसे थोड़ा महंगा ही पड़ रहा था, 50 से लेके $100 तक। तो मेरे को ये दोनों ही ऑप्शन काफ़ी महंगे लग रहे थे। फिर मैंने सोचा यहाँ के लोकल लोग कैसे जाते होंगे, वो भी तो इन पिरामिड्स को विजिट करते होंगे मैक्सिको सिटी से। फिर मैंने इसके बारे में और थोड़ी रिसर्च करी, तो मुझे फाइनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दिखा, जो कि यहाँ की लोकल बस सर्विस है, जो कि ज़्यादातर लोकल लोग यूज़ करते हैं, और ये था सिर्फ $7 का, जो कि काफ़ी सस्ता है। तो मैंने यही ऑप्शन चूज़ किया। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस इन पिरामिड्स पे जाने का। तो चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं मैक्सिको सिटी से। अभी हूँ फिलहाल मैं मैक्सिको सिटी में, और ये देखो मैक्सिको सिटी की गलियाँ हैं। देखो ये जो पीछे दिख रहा है, ये तो थोड़ा यूरोपियन आर्किटेक्चर है। वैसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। एक जगह मैं गया था, एक छोटी सी मार्केट थी, वहाँ पे बहुत सारी ब्राइड्स की मतलब दुल्हन की ड्रेस की दुकानें थी। एक जगह पर बहुत सारी फ़ोटो की दुकानें थी, कैमरे की शॉप थी। एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियों की दुकानें थी, जिसमें गाड़ियों के आपको अलॉय व्हील मिल रहे थे, बम्पर मिल रहे थे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा कि थोड़ा इंडिया में भी हमारा ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे एक पर्टिकुलर चीज़ की मार्केट बन जाती है, वैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़, यहाँ पे ना जगह जगह पे खाने पीने की बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अब मतलब मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं खाने की, क्योंकि एक तो उनके नाम डिफरेंट होते हैं। ये एक बिजी स्ट्रीट आ गई है, मेन स्ट्रीट पे आ गए हम लोग। तो अगर आप टियोटिहुआकान पिरामिड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैक्सिको के मेन बस स्टैंड जाना होगा, और मेन बस स्टैंड जाने के लिए आप मैक्सिको सिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस ले सकते हैं, जिसमें कि आप लोकल बस या फिर मेट्रो के थ्रू मेन बस स्टैंड जा सकते हैं। तो गाइस ये आ गया है मैक्सिको सिटी का एक बस स्टैंड, जिससे कि आपको मैक्सिको में जगह जगह जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैक्सिको आप कहीं भी जाओ। तो इस बस स्टैंड का नाम है टर्मिनल सेंट्रल डे नॉर्टे, मतलब नॉर्थ बस स्टैंड इस तरीके से आप समझ लो। तो ये है बस स्टैंड अंदर से। यहाँ पर अलग अलग तरह के गेट हैं, मतलब जैसे ये साला 3 गेट लिखा हुआ है, ऐसे ही हमें सर्च करके जाना है गेट नंबर 8 पे, जहाँ से कि टियोटिहुआकान की बस मिलेगी। वैसे एक चीज़ मैंने मैक्सिको में बहुत ऑब्जर्व करी है, यहाँ पर बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऑल्दो ये यूनाइटेड स्टेट्स के जस्ट बगल में है, लेकिन यहाँ बस स्पेनिश ही मैक्सिमम बोली जाती है। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है ये मैक्सिको सिटी का। यहाँ से आपको अलग अलग जगह के लिए बसेस का मतलब काउंटर देख रहे हैं, जहाँ से आप बस की टिकट परचेज कर सकते हो वहाँ जाने के लिए। हमें देखना है गेट नंबर 8। तो ये दिख गया है मुझे गेट नंबर 8। यहाँ जाके पता करता हूँ कि
टियोटियाहुकान पिरामिड के लिए यहाँ से बस मिल रही है कि नहीं। मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि यहाँ से मिल जाती है, लेकिन वो ब्लॉग काफ़ी पुराना था, जैसे कि 2019 का, तो कुछ चेंजेस ना हुए। और ओके तो हम लोग आ गए हैं बस के अंदर। कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है और देखो पूरी खाली पड़ी है। ये बसेस 20-20 मिनट पे चलती हैं यहाँ पे। तो टियोटियाहुकान जाने का जो बस का फेयर है वो है एक साइड का 60 मैक्सिकन पैसोस, जो कि होता है आपका 3 यूरोस या फिर 280 रुपए के। और आने जाने का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल, जो कि होता है 120 मैक्सिकन पैसोस। तो ये कुल मिला के काफ़ी अच्छी डील है। पहुंच गया हूं मैं टियोटियाहुकान पिरामिड पे। बिल्कुल सामने हमारे पिरामिड है और वैसे यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। और एंट्रेंस पे एक टिकट लेनी थी, उसके लिए मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, तो उसमें जो गेट योर गाइड या इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनमें लिखा हुआ था कि आप स्किप द लाइन टिकट ले सकते हैं, मतलब वहाँ लाइन लगी होती है बहुत लंबी और उसको आप स्किप करने के लिए महंगी टिकट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं मिली, तुरंत जाके नंबर आ गया मेरा, मेरे से पहले एक बंदा और था, तो काफ़ी ईजी था। मतलब ये जो टियोटियाहुकान पिरामिड्स हैं ये मेक्सिको सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इन पिरामिड्स को लगभग आज से 2000 साल पहले बनवाया गया था। और ये जो टियोटियाहुकान सिटी है उस टाइम की काफ़ी बड़ी सिटी थी, जो कि 21 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई थी और यहाँ पे लगभग 1.5 लाख लोग उस टाइम पर रहा करते थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ा नंबर है। इनमें से जो सबसे मेन पिरामिड है उसका नाम है पिरामिड ऑफ द सन, जो कि काफ़ी बड़ा है। और दूसरा मेन पिरामिड है पिरामिड ऑफ द मून, जो कि पिरामिड ऑफ द सन से थोड़ा छोटा है। और ये काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। उस टाइम की टेक्नोलॉजी कोई इतनी एडवांस थी नहीं और उस टाइम पे लोगों ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, जो काफ़ी अमेजिंग है। और इस सिटी के बारे में अभी भी काफ़ी चीज़ें मिस्ट्री ही बनी हुई हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस को अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि इन पिरामिड्स को किसने बनवाया था, यहाँ पर कौन लोग रहते थे, वो क्या करते थे, कहाँ से आए थे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी बस पता लगाई ही जा रही हैं। एक और चीज़ है, आपने देखा होगा मैंने अभी एक हैट ले लिया, तो यहाँ पर बहुत सारे हैट की दुकानें हैं, तो आप अगर आओ और धूप हो रही हो तो हैट लेना काफ़ी रिकमेंडेड है। अगर आपके पास पहले से ही हैट है तो उसको ही ले आओ, जिससे कि यहाँ पर आके खरीदनी ना पड़े। ये जो हैट पड़ी है मेरे को ये 10 यूरो की पड़ी है, मतलब अराउंड ये समझ लो आप 200 मैक्सिकन पैसोस। तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत कम कर दे। तो पहले मेरे को थोड़े ज़्यादा रेट बताए थे, फिर हमने कम करवाए, पर तब भी ये थोड़ी महंगी है। ये है सामने पिरामिड ऑफ सन। इस पे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ हैं कि नहीं, क्या से कूद के जाना पड़ेगा क्या? एक्चुअली में सीढ़ियाँ हैं, लेकिन दूर से पता लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ नहीं है, क्योंकि बहुत ही खड़ी हुई सीढ़ियाँ हैं। ये देखो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है यहाँ से देखो। तो इन सीढ़ियों से उतर के हम लोग आ गए हैं पिरामिड की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग कुछ कुछ बेच रहे हैं, कुछ टकीला की बॉटल बेच रहे हैं और कुछ ड्रैगन की आवाज़ निकालने वाली चीज़ें बेच रहे हैं। नॉर्मली जो आप लोग आते हैं टूरिस्ट, वो गाइड्स के साथ आते हैं टूर बुक करके पूरा। तो ये देखो ऐसा ग्रुप जा रहा है, इसमें गाइड पूरा समझाते हैं कि क्या था ये, किसने बनाया था। यहाँ पर इतने बड़े बड़े कैक्टस हैं, ये देखो मेरे से भी लंबा कैक्टस है। तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जिसमें टियोटियाहुकान के पुराने टाइम की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को शायद खुदाई के टाइम पे मिली होंगी। और इसकी फ्री एंट्री है, तो इसको आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं।
और ये देखो, ये भी कुछ पत्थर के आइटम है। ये तो सिलबट्टा लग रहा है, जिससे कि चटनी वटनी पीसे करते होंगे लोग। और ये देखो, ये जैसा वैद्य लोगों के पास होता है दवाई घोटने का आयुर्वेदिक, उस टाइप की कोई चीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमारे पुराने ज़माने में इंडिया में होती थी, उस तरीके की ही हैं। और ये कुछ उस टाइम के कंकाल हैं जिन्होंने इंसानी दांतों की मालाएं पहनी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें थी म्यूज़ियम में जो लोग यहाँ के पुराने टाइम पे यूज़ करा करते होंगे, पत्थर की चीज़ें कई सारे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कंकाल भी थे उस टाइम के ज़माने के। अब जाते हैं दूसरे पिरामिड को देखने। ये है जो सामने, ये है पिरामिड ऑफ द मून। तो इस पे इसके पास जाके देखते हैं। ये भी मोर और लेस उसके जैसा ही है, पिरामिड ऑफ द सन की तरह, लेकिन बस थोड़ा छोटा है उससे। गाइस, यही है पीछे हमारे पिरामिड ऑफ द मून। तो अनफॉर्चुनेटली आप इन पिरामिड्स पे और इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स पे क्लाइम नहीं कर सकते हो। पिछले साल तक ये अलाउड था, लेकिन इस साल से इन्होंने को बैन कर दिया है, तो बस आप इन्हें दूर से ही देख सकते हैं। तो पहली बार देखा गया है पिरामिड, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा है। एक तो मिस्र के, हमारे इजिप्ट के पिरामिड हैं, उनके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन है ये जो पिरामिड है मैन मेड ही हैं। तो इंसान ने आज से 2000 साल पहले ये चीज़ अपने हाथों से बनाई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देख लिया हमने पिरामिड्स, और अब यहाँ पे कुछ सुवेनियर शॉप्स हैं, इनको चेक करते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है लेने लायक। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, और लास्ट बस जो होती है वो यहाँ से 5 बजे निकल जाती है, तो हमें जल्दी करना होगा। ओके दोस्तों, तो मैं अभी वापस आ गया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमने बस ने हमको ड्रॉप किया था, और यहाँ से हमें वापस जाने की बस मिलेगी मेक्सिको सिटी। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही बस आ जाएगी और ये हमारा जो टूर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और देखते हैं मेक्सिको में और क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, अभी तो बहुत कुछ है। तब तक के लिए गुड बाय।